चल सारे उधर कंसंट्रेट करो, बस आपस में आप बात बंद कर दे भाई, नहीं आती ना अब अपनी बात करने की आज को थोड़ा जस्ट मिल ना यहाँ सामने। सुनो ये टेबल थी, ये इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन था जो बोगस मेथड से निकाला गया था सबसे पहले वाले न्यूमेरिकल का। ठीक, मोदी मेथड में अब हम ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं, मतलब कि आपका आया हुआ सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। यहाँ पर सारी बातें कल के लेक्चर में कही गई थी जिसमें ये कहा गया था कि आपकी जितनी ऑक्यूपाइड सेल है उन ऑक्यूपाइड सेल की मदद से आप रो के लिए यू आईज और कॉलम के लिए वी जेस का कैलकुलेशन कीजिए। यानी पहली रो के लिए हम लोग यू वन कैलकुलेट करेंगे, दूसरी रो के लिए यू टू कैलकुलेट करेंगे, तीसरे के लिए यू थ्री कैलकुलेट करेंगे। तीन रो है तो तीन कैलकुलेशन ये हुआ। इसके बाद अच्छा हम लोग मेरे से आगे बोलते हैं कॉलम के लिए वीजेस का कैलकुलेशन होगा, ये वी वन होगा, ये वी टू होगा, ये वी थ्री होगा, ये वी फोर होगा। ये हो गया रो और कॉलम के लिए यू आई और वीजेस का कैलकुलेशन। रूल बहुत साफ सुथरे थे, कहा यह गया था कि जिस जगह पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस नजर आए, टोटल एलोकेशंस की बात नहीं हो रही थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस जहां पर नजर आए उस यू आई या बीजे को आप आर्बिट्री क्या मान लेना, जीरो मान लेना। और अगर सब में बराबर बराबर नजर आए, हर जगह पर नंबर ऑफ एलोकेशन सेम नजर आ रहा है तो आर्बिट्री किसी को भी हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो। तो हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एक दो तीन एलोकेशन हुआ है तो टोटल तीन एलोकेशन आ रहे हैं, इसलिए हम लोग V4 को कितना मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। और V4 के जीरो होते ही अब जितनी ऑक्यूपाइड सेल है, केवल ऑक्यूपाइड सेल जिन सेल्स में एलोकेशन हुआ है उनकी मदद से बाकी के यू आईज और वीजेस के कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये कितना है, और कैलकुलेशन के लिए जिस फार्मूले का इस्तेमाल होगा वो फार्मूला सुन क्या है, वो फार्मूला होता है सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस डी जे। इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे सी आई जे, ये आपका कॉस्ट रिप्रेजेंट करेगा किस सेल में, आई जीरो और जे सेल में, या आई कॉमा जे सेल में, ये आपका कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ? और उसी के रिलेटिव में हम जाएंगे, उसी के रिस्पेक्ट में, तो आई निकाल दो यू के साथ, जे निकाल दो वी के साथ, तो सी आई जे फॉर्मूला बना यू आई प्लस कितना वी जे। ये बातें कल हुई थी, यू आई वी जे कुछ और नहीं ड्यूअल वेरिएबल के कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, वो बात की बात है, हम लोग बाद में ड्यूअल देखेंगे, अभी ड्यूअल नहीं देख रहे हैं। अब इनकी मदद से, लेकिन ये फार्मूला केवल इस्तेमाल होगा किसके लिए, ऑक्यूपाइड सेल के लिए। सबसे पहले इन्हीं के ऊपर टका देते हैं, ये बताओ इनको मत देखना, इसीलिए हम यहाँ पर डबल लाइन लगाते हैं, मुझको डिमांड और सप्लाई दोनों को बिल्कुल कंसीडर नहीं करना, वो काम केवल तब तक जब तक हम एलोकेशन कर रहे थे। इसके ऊपर मुझको यहाँ पर कॉस्ट नजर आती है ऑक्यूपाइड सेल में, कितनी कॉस्ट है ये 20 है, ये आपका कौन है, रो की संख्या बोलो 3, कॉलम की संख्या 4, तो एक्चुअल में ये लिखा गया है C3 4। बाद में किसी न्यूमेरिकल को प्रॉपर वे में लगाएंगे, लेकिन अभी वर्किंग रूल समझाने के लिए इसकी मदद ले रहे हैं। ये कौन है C3 4, तो C3 4 इज इक्वल टू फार्मूले से होता है U3 प्लस कितना 3 4। C3 4 की वैल्यू अगर देखें तो कितनी नजर आ रही है 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20 इज इक्वल टू U3 और B4 मैंने कितना माना था, तो U3 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। यहां पर हम U3 बराबर कितना लिख देते हैं 20। ये हुआ अनाड़ी की तरफ खेलना, अगर आप समझदार हो तो आपको इस तरह खेलने की कोई जरूरत नहीं, आपको केवल एक काम करना है बस खाली, ये कितना है 0। इसके ठीक ऊपर जाओ, ऑक्यूपाइड सेल मिले कि नहीं, कॉस्ट कितनी है 60 है, तो 60 इज इक्वल टू 60 में मौजूद U2 प्लस कितना V4, लेकिन V4 कितना है 0, तो इसका मतलब U2 बराबर कितना 60, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 60। मेरे को उधर फार्मूला केवल एग्जाम में ना तुमको फार्मूला बता देना चाहिए बस, कि by using formula this calculate UI VJs for row and column। लेकिन अगर अच्छी बात ये होगी कि आप proper one by one एक एक के लिए UI VJs का calculation examiner को दिखा दो, अच्छी बात ये होगी, एक बार दिखा दो। जब optimality criteria check हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक ही बार optimality check किया और आपका solution best हो गया, ये भी हो सकता है आप दोबारा opportunity cost लगाओ फिर negative आ जाए, यानी एक से दो स्टेप तीन स्टेप में भी ये जाकर के बेस्ट हो सकता है, इनिशियल में बेस्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप पहला स्टेप कर रहे हो तो आपको यू आई वीजेस का कैलकुलेशन प्रॉपर वे में दिखा देना चाहिए, बाद में नाउ सॉल्विंग एज प्रीवियस कैलकुलेटिंग एज प्रीवियस यू आई वीजेस वी गेट फलाने ढिकाने लिख दो वहां पर, आई बातें समझ में, एक बार पूरा पूरा दिखाना पड़ेगा। फिर सुनो इसके ठीक ऊपर ऑक्यूपाइड सेल पे कितना है कॉस्ट 10 है, तो 10 इज इक्वल टू U1 प्लस कितना V4, लेकिन V4 कितना 0, तो U1 बराबर कितना हो गया 10। ये हो गया फार्मूला, सामने पड़ा हुआ उसी फार्मूले सारा काम हो रहा है। अगला काम सुनो, ये तो हो गया U1 U2 U3 का कैलकुलेशन पूरा, अभी वीजेस के कैलकुलेशन पूरे नहीं हुए, ये V4 है,
इसके ठीक सामने को जो ऑक्युपाइड सेल मिली कि नहीं, लेकिन इसके नीचे वाला आपको पता है, तो इसका मतलब इससे अपना कोई काम बनने वाला नहीं है। इसके ठीक सामने देखो ऑक्युपाइड सेल मिला कि नहीं, कॉस्ट कितनी है 19। अब दिमाग चलाना, 19 इज इक्वल टू U1 प्लस कितना V1, लेकिन V1 तो अननोन है, तो V1 कितना हुआ 19 माइनस U1, 19 में से 10 निकाल दो कितना 9, तो आपका V1 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अगला काम सुनना, इसके बाद अब यहाँ और कुछ नहीं है, यहाँ 60 के ठीक सामने जाओ ऑक्युपाइड सेल ये थी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, तो इसके और आगे बढ़ो तो कितना है 40, 40 में से 60 को निकाल दो कितना माइनस 20, यानी आपका ये B3 कितना हो गया माइनस 20 हो गया। समझ में आई बात है? अब यहाँ 20 के ठीक सामने देखो यहाँ कौन है 8, 8 में से 20 को निकाल दो कितना माइनस 12, ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस 12। सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया URI और VJS का, ये सारी बातें कल हो चुकी थी। वर्किंग रूल चेक करना, वर्किंग रूल में लिखा गया था सबसे पहला स्टेप, फॉर एन इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन विद m प्लस n माइनस 1 ऑक्युपाइड सेल कैलकुलेट UIs एंड VJs फॉर द रो एंड कॉलम टू स्टार्ट विद एनी वन ऑफ UIs और VJs इज असाइंड द वैल्यू 0। आप आर्बिट्री किसी को भी क्या असाइन कर दो 0, इट इज बेटर, ये ज्यादा बेहतर होगा टू असाइन 0 फॉर अ पर्टिकुलर UI और VJs वेयर देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन इन अ रो और कॉलम रिस्पेक्टिवली। जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशन है वहां पर UI और VJs को 0 मानना ज्यादा बेहतर होगा। इतनी बातें हुई थी, फिर इसके बाद हम लोग लिखे हुए थे देन कंप्लीट द कैलकुलेशन, then complete the calculation of UIs and VJs for other row and column by using the formula Cij is equal to UI plus VJ। आगे लिखा गया था for all occupied cell i comma j, इतना हुआ था। इसके बाद फिर अगली बारी थी second step opportunity cost calculate करना, लेकिन opportunity cost calculate होगी उनके लिए जहां अभी तक कोई भी allocation नहीं हुआ है, मतलब unoccupied cell के लिए। unoccupied cell देखो कहां कहां है, unoccupied, 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 ये लोग हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी का मतलब एक अवसर, आपको एक ऐसा अवसर मिल जाए जिसमें आपको पता चले कि अगर मैंने यहाँ जहाँ एलोकेशन छोड़ दिया था, अगर हम इस सेल में एलोकेशन करते तो पॉसिबल था मेरी कॉस्ट कुछ और कम हो जाती, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे अनऑक्युपाइड सेल के लिए। कैसे निकालेंगे, फार्मूला सुनो, उसका फार्मूला था Dij is equal to cost Cij minus Ui plus कितना, मतलब किसी अनऑक्युपाइड सेल की, ध्यान से सुनना, किसी अनऑक्युपाइड, हम सिर्फ फार्मूला लिखेंगे उसके बाद हम लोगों को ऊपर गए थे ना, Dij is equal to, मैथ वालों को दुनिया आधा पागल कहती है, तो हम लोगों को आधा सब्जेक्ट की बेइज्जती करने का कुछ तो अधिकार होना चाहिए ना। सुनो, Dij उनके आगे मत करना ना, वो चीर फाड़ बहुत अच्छे से जानते हैं, पता चलेगा एक कैंची उठा के मेहनत में चीर दिए तुमको ना, तो तुम सिले नहीं सिलाओगे। Dij is equal to Cij minus UI plus VJ। अब सुनो, ये Cij उस अनऑक्युपाइड सेल में कॉस्ट है जिसके लिए आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाले, उस सेल कौन सी है, आई कॉमन जेड सेल है, करना क्या है उसकी कॉस्ट में से, उसमें लिखी हुई कॉस्ट में से घटा देना वहां मौजूद यू आई और बीजे के सम को। आई बातें समझ में, आप ध्यान दो, सबसे पहले ये टकराए ठीक, यहाँ पर कॉस्ट कितनी दिखाई है 30, इसके ठीक सामने U1 देखो 10, इसके ठीक नीचे ये कितना -12, पहले ही दोनों को जोड़ो -2, उस -2 को इसमें से घटा दो तो +2, इसका आया +32। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉजिटिव आना मतलब आपको कोई बेनिफिट देने वाला नहीं है, गलती से अगर आपने यहाँ एलोकेशन किया ना तो ₹32 का ग्रोथ करा देगा और मेरे को कमी लानी है, ग्रोथ नहीं चाहिए ठीक। यहाँ आना, ये कितना है 50, इसके ठीक सामने 10 और इसके ठीक नीचे -20, 10 और -20 जोड़ो कितना -10, उस -10 को यहाँ से घटाओ 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +60, मतलब आपके नए बनने वाले सॉल्यूशन में ये सेल भी इंक्लूड नहीं होगी, आप इस रास्ते कोई एलोकेशन करने वाले नहीं हो फिलहाल अगले राउंड के लिए, बाद में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यहाँ ये तो सप्लाई है, यहाँ 70 के ठीक सामने 60, 70 के ठीक नीचे 9, 60 9 एक कम 70, एक कम 70 और उसको 70 में से घटाओ तो कितना हुआ +1, उधर से भी कोई एलोकेशन नहीं करना। यहाँ 30 के सामने 60, उसके नीचे -12, 60 में -12 जोड़ो 48, अब 30 में से 48 निकालो -18, ये रहा मिला ना, मतलब एक बात तो गारंटी हो गई, एक भी नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलेगी तो आपका सोल्यूशन बेस्ट तो नहीं है।
यानी आपके सॉल्यूशन में अगर ये सेल इंक्लूड होती तो ये पर यूनिट 18 रुपए डिक्रीज कर रही होती, और मेरे को मिनिमा ही तो चाहिए। अगला देखो, 40 के ठीक सामने 20, उसके नीचे 9, 20 9 29, 40 में से 29 निकाल दो, 29 एक 30 10 40 11, इसके बाद यहाँ 20 और 20 खत्म, ये पूरा का पूरा प्लस 70 निकलेगा। अभी एक ही कहीं नहीं बचा, सब निकल गए, चेक करो सारी जितनी ऑक्युपाइड सेल थी सबके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल दी गई कि नहीं। ये काम था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने का, फार्मूला था DIJ = CIJ - UI + BJ, लैंग्वेज लिखी गई थी, फॉर अनऑक्युपाइड सेल कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट DIJ / DIJ = CIJ - UI + BJ फॉर ऑल I, J लिखा गया था। फिर यहां पर केस हुए थे, यही जो हम तुमको यहां बताते चल रहे हैं, वही सारे। पहला केस था इफ ऑल DIJ ग्रेटर देन 0, अगर आपकी सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव आती है, सोचो जितनी सेल खाली है उसमें आपने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली और वो सब क्या आ गई पॉजिटिव, तो इसका मतलब अगर आप उन सेल्स के दौरान उन सेल से होते हुए एलोकेशन करोगे तो दाम बढ़ जाएगा, और मेरे को दाम बढ़ाना नहीं है, मतलब जो सोल्यूशन आया है उसी में संतोष कर लो, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑप्टिमम सोल्यूशन। ये एक काम था। दूसरा काम, अगर सारे DIJ आपके जीरो हो जाते हैं, DIJ यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आती है जीरो, तो इसका मतलब है कि अगर आप जहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है वहां से एलोकेशन करोगे तब भी आपका जो सॉल्यूशन है वो वही आएगा जो कि आया हुआ है, वो सॉरी सॉल्यूशन के टोटल कॉस्ट जो है वो वही आएगी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली हुई थी, लेकिन हाँ रास्ता आपको नया मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं आपके पास एक से ज्यादा मल्टीपल सॉल्यूशन, इसको मल्टीपल सॉल्यूशन बोलते हैं, आपके पास एक से ज्यादा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होंगे लेकिन सब में प्राइस आपका सेम टू सेम निकल के आएगा। आई बात है समझ में? लेकिन तीसरा केस लिखा है कि नहीं, थर्ड नहीं लिखा है, दूसरा लिखा है इफ ऑल DIJ इज इक्वल टू 0 देन करंट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन विल रिमेंस अनअफेक्टेड बट एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट, लेकिन एक वैकल्पिक सॉल्यूशन आपके पास मौजूद होगा। इतना हुआ था, थर्ड में DIJ हम नेगेटिव करने जा रहे हैं। क्लास का यही हुआ। हां बच्चे बोलो सर, जैसे मान लीजिए ये जो भरे है सेल में तो वो दो ही दो है, हाँ। सब में दो ही है हाँ। तो सर जो जैसे दो है तो फिर तीनों नहीं निकलेगा ना, काहे नहीं निकलेगा, किसने कह दिया नहीं निकलेगा, हम निकालेंगे और कैसे, एक्सपीरियंस निकालेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकलेगा पर भी निकलेगा, सवाल करवाएंगे, अरे काहे नहीं निकलेगा बच्चे, अरे हम कह रहे निकलेगा मतलब निकलेगा, तुम भरोसा करो हम करवाएंगे सवाल, तब ड्राइविंग सीट पे हम बैठे टेंशन मत लो। चलो थर्ड लिखा, तुमसे पहले उसको हम सोच लेंगे ना कि वहां बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, हर क्लास में ही था, जैसे वर्किंग रूल में लिखे और कहे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन जहां जीरो होगा उसको, जब जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन होगा उसको जीरो मानो, इवन जब हम अपना एमएससी पढ़ रहे थे तब इसको पढ़ रहे थे, तब भर भी मेरे दिमाग में आया था अगर ऐसा हुआ तो जानबूझ करके फिर हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व किया, आमतौर पर मेरा मन नहीं करता है सॉल्व करने, लेकिन फिर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व किए, मुझको ऐसे 5 सवाल मिले जिनमें सब में बराबर बराबर एलोकेशन था, उसको हम मार्क करके रख लिए कि अब जब कभी तब पढ़ाने के नहीं सोचे थे, अब जब भी ऐसा होगा तो ये रहेगा, और बाद में जब पढ़ाना शुरू किए इसीलिए तो वो हड़प्पा सभ्यता वाली किताब रखे हुए हैं, इसी में सारी मार्किंग ये भी है। थर्ड लिखना, इफ वन और मोर अगर एक या एक से ज्यादा, इफ वन और मोर DIJ लेस देन 0, अगर एक या एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, इफ वन आर मोर DIJ लेस देन 0, यहां एक ही हुई है, ये केवल एक रेफरेंस के तौर पर रखें, ऐसा हो सकता है कि यहां भी नेगेटिव मिले, यहां भी नेगेटिव मिले, यहां भी नेगेटिव मिल जाए, तीन तीन सेल पर आपको नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिले, मतलब आपके पास तीन जगह है जहां पर दाम कम हो सकते हैं, लेकिन हम चुनेंगे किसको, जहां लार्जेस्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि लार्जेस्ट नेगेटिव का मतलब है सबसे ज्यादा वैल्यू वहीं पर डिक्रीज होगी। ठीक, लिखना, इफ वन आर मोर DIJ लेस देन 0 देन एन इंप्रूव्ड सॉल्यूशन, देन एन इंप्रूव्ड, then an improved solution, then an improved solution can be obtained, प्राप्त किया जा सकता है, can be obtained, an improved solution can be obtained by entering, can be obtained by entering unoccupied cell, unoccupied
by entering unoccupied cell i comma j in the basis, in the basis तब एक इंप्रूव्ड सॉल्यूशन, एक और बेहतर सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं इस सेल को, जिसके लिए नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कास्ट आ रही है उसको बेसिस में इंक्लूड करते हुए। याद करो सिंपलेक्स मेथड, जो बेसिस में रहता था वही मेरा सॉल्यूशन बनता था लास्ट में। सबसे पहले क्या निकालते थे, सबसे पहले हम लोग इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, कैसे सेट करके सारे वेरिएबल को जीरो करते थे, बस बराबर के जस्ट साइड में बराबर जो वेरिएबल होते थे उनको बचा लेते थे। जैसे अगर अपने पास पांच वेरिएबल है और सात इक्वेशन है, कितने, पांच वेरिएबल और सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, पांच इक्वेशन और सात वेरिएबल है, तो जब पांच इक्वेशन है और वेरिएबल सात है तो सात में से पांच घटाओ दो, क्या सेट कर देते थे, जीरो, और बाकी के बचा देते थे। तो पहले इनिशियल निकलता था, वो इनिशियल वाले लोग बेसिस में होते थे, फिर हम सीजे जेडजे सीजे माइनस जेडजे कैलकुलेट करते थे, फिर एक बेसिस को छोड़ के जाता था एक बेसिस में आता था, पूरा सॉल्व होने पर ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया आने पर जो बेसिस में बच जाते थे उन्हीं के रेफरेंस में हम लोग सॉल्यूशन दे देते थे। याद आया कि नहीं, सेम कंडीशन यहां भी है। यहां कह रहे हैं जो जो सेल एलोकेट हुई है, जैसे ये सेल बेसिस सेल में आएगी, ये बेसिक वेरिएबल है आपका, इसके बाद इसके लिए जो वेरिएबल होगा वो कौन होगा, इसका वेरिएबल होगा x23, आया ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम, जरा बोलो x23 की वैल्यू कितनी आ रही है, सात, वो बेसिक वेरिएबल है, और जहां पर कुछ नहीं हुआ वो आपके नॉन बेसिक है क्योंकि उस रास्ते एलोकेशन नहीं हुआ। अब होगा क्या, जहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आई है, लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो आपके सॉल्यूशन में इंटर करेगा। सॉल्यूशन में इंटर करने का मतलब है बेसिस में इंटर कर जाना। तो इसी बात को यहां ऐसे लिखा गया है, इफ वन और मोर डीआईजे नेगेटिव देन एन इंप्रूव्ड सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेंड बाय एंटरिंग, इंटर कराते हुए अनऑक्यूपाइड सेल आई कॉमा जे इन द बेसिस। अब इसको बेसिस में इंटर कराते हुए एक और इंप्रूव्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। समझ में आएगा, एन अनऑक्यूपाइड सेल एंड unoccupied cell having the largest negative value of dij is chosen, चुनी जाती है। ये किताब में सिंगल को लगाए हैं, डबल रहता है सिंगल रहता है चूजन में, डबल रहता है ना, किताब में सिंगल का ही लगाए हैं ये ना, मेरे को भी यही दिमाग में आता है, लेकिन हम तीन बार देखे, हाँ हम डिक्शनरी ओपन नहीं किए, मेरे को लगा बोलते किताब लिखे तो सही लिखे, अभी लिख लिए, वैल्यू ऑफ डी आई जे इज चूजन ठीक फॉर एंटरिंग, फॉर entering, chosen for entering into the solution mix, into single है, तब हम लोग तुम लोग सब गलत सोच रहे हो, मेरी अंग्रेजी नहीं कर लो तुम्हारी भी कर लो, chosen, इसीलिए हम किताब पर गलत उंगली नहीं उठाते, किताब जो लिखे सब गलत भी लिखे तो हमको मंजूर है। अब किताब ही तो तुम लोगों ने नेगेटिव कॉस्ट ले दी है, और कॉस्ट नेगेटिव हो नहीं सकती है, आप हाँ कौन सा नहीं, हम बदले नहीं, हम वही देख रहे हैं सॉल्यूशन मिक्स, इनटू द सॉल्यूशन मिक्स, या इसी को कहते हैं न्यू ट्रांसपोर्टेशन, न्यू ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल, न्यू ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल, इस अनऑक्यूपाइड सेल को सॉल्यूशन मिक्स में इंटर कराते हुए या नए ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल को फाइंड आउट किया जा सकता है। जी भटक गई मेरी बोलने में, इतना लंबा चल रहा है, ये डाइस दिक्कत दे रहा है, डाइस हटाए दे रहा है, तुमको दिखे तुम्हारी गर्दन होगी, नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। हम कहाँ करें, गर्दन छोटी कर लो, हम तो उसके लगा देते हैं आपकी अपनी गर्दन।
ये याद रखना, बहुत गिने चुने नियम है और रट्टा नहीं मारना है, इसीलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार जितनी बार हम दोहराएंगे उतनी बार तुम्हारे कान में बात गूंजेगी, तुमको लग सकता है हम इस नियम को कई कई बार बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाने लगे तो मेरे को पन्ना पलट करके और क्या करते थे ये ना देखना पड़े। अब अपने को याद है क्या क्या करना है, सब पता है, गूगल से अप्रॉक्सिमेशन मेथड से इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एक बार इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट आ गया तो रो के लिए यूआई मानना है, कॉलम के लिए बीजे मानना है, रो के लिए यूआई कॉलम के लिए बीजे मानते हुए फिर उसके बाद देखेंगे कहां सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है, उसके सामने मौजूद यूआई या बीजे को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, उसको जीरो मानते ही फार्मूला दिमाग में आएगा कॉस्ट माइनस या कॉस्ट बराबर, माइनस छोड़ दो, कॉस्ट बराबर यू आई प्लस बीजे, उसी के लिए यानी सी आई जे बराबर यू आई प्लस बीजे, इनका इस्तेमाल करो, बाकी के यू आई बीजे को कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट हुआ अनऑक्यूपाइड सेल के पास जाओ फार्मूला अप्लाई करो डी आई जे बराबर कॉस्ट सी आई जे माइनस यू आई प्लस बीजे और इससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो, हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के बाद अब जो उसमें से सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मिल रही है तो, नहीं मिल रही वही काम रोक दो, आपका सॉल्यूशन बेस्ट है, और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव मिल रही है तो आप उसमें से लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली सेल को सेलेक्ट कर दो। इतना रूल क्लियर हो गया, एग्जाम में आएगा तो लिख लोगे, अगर एग्जाम में ये पूछता है राइट वर्किंग रूल फॉर द मोदी मेथड लिख सकते हो, अभी और आगे बढ़ रहा है, रट्टा भार याद हो जाता है। चौथा स्टेप लिखा, तीन स्टेप खत्म हो चुके हैं, चौथे स्टेप पर आते हैं। अब ये जाने रखना एलपीपी में जितने ध्यान से पढ़ा रहे हैं जितनी ज्यादा क्लास पढ़ा रहे हैं ना, उम्मीद यही करेंगे एलपीपी में किसी सवाल छूटेगा नहीं ना, पढ़ा हम फुल देंगे आखिरी तक लेकिन एलपीपी में सवाल छूटेगा नहीं, छूटेगा भी तो क्या कर लेंगे, जाम थोड़ी निकाल लेंगे, मिल लेंगे ही आप उसके बाद सब प्रॉब्लम। चल आओगे तो कम के पास हो मिठाई लेके जाना पड़ेगा ना जाए, सुनो इधर ध्यान देना, ये सेल अकेली है ना नेगेटिव के साथ, इस पर मैंने यूं टिक कर दिया, अभी इसको समझ लो, बाद में खाली इसको छाप लिएगे बस, अभी इसको आराम से समझ लो, इसको मैंने मार्क कर दिया ठीक। अब क्या करना है वो सुनो, अब इसी सेल के लिए अगला नियम कहता है इस सेल के लिए मुझको एक क्लोज्ड लूप बनाना पड़ेगा, लूप का मतलब रास्ता, मुझको एक क्लोज्ड पाथ बनाना पड़ेगा, वो पाथ कैसा होगा, यहीं से शुरू होगा और यहीं पर खत्म होगा, यहीं से शुरू होगा और यहीं पर खत्म होगा, लेकिन उसके जितने किनारे हैं वो सारे के सारे किनारे आपके ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए सिवाय इसको छोड़ दो, जहां से शुरू करोगे उस जगह को छोड़ दो तो आपके जितने किनारे हैं वो सारे के सारे किनारे कोई ना कोई ऑक्यूपाइड सेल ही होनी चाहिए। लूप केवल दो ही रास्ते पर चल सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल चलेगा या तो वर्टिकल, आप डायगोनली लूप चलाने की गलती मत करना, मतलब कोई एक हम यहां से यहां जाएंगे तब तक ही नहीं जा सकते हो, रास्ता से रास्ते जा रहे हो, रास्ता क्या है एस वन से डी वन पर सामान भेजे, फिर S1 से D3 पर भेजे या S2 से कहीं भेजे, तो आप क्या चल रहे हो हॉरिजॉन्टली तो चल रहे हो, डिमांड देखोगे तो वर्टिकल आ रहे हो, डायगोनल तो नहीं चल रहे ना, चलो हम डायगोनली खींच लिए यहां से यहां तक, तो आप S2 से कहां जा रहे हो, यहां आओगे डायगोनली नहीं, आप S2 से डायगोनली यहां नहीं आते, आप S2 से हॉरिजॉन्टली यहां पर आते हो, आई बात समझ में कि नहीं, तो कोई भी लूप जब भी चलेगा उसमें खींची गई लाइनें केवल या तो हॉरिजॉन्टल चलेंगी और या तो वर्टिकल, बहुत आसान है लूप खींचना, परेशान ना हो, बहुत आसान रास्ता बता देंगे। चलो लूप के लिए लिखते हैं चौथा स्टेप, लिखना फिर यहां खींच करके दिखा देंगे, लिखना कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड पाथ, कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड पाथ, अ क्लोज्ड पाथ ठीक, इसी को लूप कहा जाता है और अथवा लूप, कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड पाथ और लूप फॉर द अनऑक्युपाइड सेल, फॉर द अनऑक्युपाइड सेल, फॉर द अनऑक्युपाइड सेल विद लार्जेस्ट नेगेटिव, विद लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिस अनऑक्युपाइड सेल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे ज्यादा नेगेटिव है उसके लिए हम एक क्लोज्ड पाथ या कह सकते हैं एक लूप का कंस्ट्रक्शंस करेंगे, कंस्ट्रक्शंस कैसे होगा वो सुनना, स्टार्ट द क्लोज्ड पाथ, स्टार्ट द क्लोज्ड पाथ
इस क्लोज्ड पाथ की हम शुरुआत करेंगे. स्टार्ट द क्लोज्ड पाथ विद द सिलेक्टेड विद द सिलेक्टेड अनऑक्युपाइड सेल एंड मार्क अ प्लस साइन इन दिस सेल मार्क अ प्लस साइन इन दिस सेल कॉमा ट्रेस अ पाथ. सिर्फ लिखो समझाते हैं. ट्रेस अ पाथ along the rows bracket में or columns along the rows or columns bracket close to an occupied cell और फिर comma full stop मत लगाना है. बस इतना लिख करके रुको. आज की क्लास ठीक चल रही है. अभी फिजिक्स की क्लास होगी ना. फिजिक्स तो क्या ज़्यादा पढ़ा पाएंगे. 11:40 तक जाएगा. वर्किंग रूल बहुत मुश्किल है ना पढ़ाने से. ना ही दूसरे की क्लास ऐसे ले सकते हैं. अटेंडर तुम लोग चला दो. तुम लोग ग्रुप बन गया है. जोड़ना बाकी है ठीक है. आज जोड़ देंगे. हम पहले ग्रुप बनाते हैं उसके बाद जोड़ते हैं. ध्यान सुनो. वापस आओ सब लोग इधर. क्या लिखा गया है वो सुनो. कह रहे हैं आपको क्लोज्ड पाथ स्टार्ट करना है यहां से हम शुरू करेंगे. और ये खुद जो बात हम तुमको कहना आप डायगोनली नहीं चल सकते हो. आप या तो हॉरिजॉन्टली चलोगे या तो वर्टिकली. वो बात ये लिखी गई है. Start the closed path with the selected unoccupied cell. जिस unoccupied cell को आपने select किया वहाँ से closed path की शुरुआत कीजिए. And mark a plus sign in this cell. और इस cell पर आप एक कौन सा निशान बना दीजिए. Plus का निशान बना दीजिए. मतलब plus का निशान का मतलब कोई ना कोई allocation यहाँ पर अभी आएगा थोड़ी देर के बाद. By rule ही आएगा. यहाँ पर plus का निशान है. अब ये कह क्या रहे हैं. अभी कह रहे हैं ट्रेस अ पाथ. आप एक पाथ को खींचिए. ए भाई नहीं हूँ खाती तो एक को बार भूली ना इधर मिस हुआ बात कहीं और पहुंच जाएगी. सारे लोग दिमाग में भटका हो अपना अपना. ट्रेस अ पाथ. आप एक पाथ को खींचिए अलोंग द रो और कॉलम. लेकिन पाथ आपका या तो रो के अलोंग खींचा जाए तो कॉलम. रो के अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टली चलना है. कॉलम के अलोंग मतलब वर्टिकली. डायगोनली आपको चलने की कोई आजादी नहीं है. किसके लिए. टू एन ऑक्युपाइड सेल. आप ये जो पाथ खींचो शुरू होगा अनऑक्युपाइड से लेकिन खींचा जाएगा ऑक्युपाइड ऑक्युपाइड के लिए. मतलब हर किनारा ऑक्युपाइड होना चाहिए सिवाय इसको छोड़ के जहां से आपने शुरू किया है. अब गौर करना दिमाग दौड़ाना. यहां से चलना है और यही लौटना है. यहां से चलना है और यही लौटना है. और हर किनारा ऑक्युपाइड ही होना चाहिए. अगर हम इधर चले अगली बात सुनना आप यहाँ से नीचे गिरो यहाँ से नीचे आए ऑक्युपाइड है कि नहीं. इसके बाद आप इधर घूम जाओ. बीच में खाली आए कोई दिक्कत नहीं है. बीच में खाली हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन किनारे आपके क्या होने चाहिए ऑक्युपाइड. क्योंकि बीच में तो साइन ही नहीं लगेगा. बीच में कोई साइन नहीं लगाया जाएगा. कॉर्नर पे ही साइन रखेंगे प्लस माइनस अल्टरनेटिव. यहां से हम शुरू किए. नीचे टकराए ऑक्युपाइड है कि नहीं मतलब हम चल सकते हैं. लेकिन इसके नीचे तो डिमांड आ चुका है. यहां से यहां घूमे चल सकते हैं कि नहीं. यहां से ऊपर घूमे चल सकते हैं. यहां से यहां लौट आए. अब देखना है यहां से यहां चले. इसके बाद मोड़ दे रहे पहला किनारा ये है कि नहीं. ये किनारा ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड. फिर यहां से यहां पहुंचे और ऊपर मुड़ गए. ये भी किनारा बना ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड. इसके बाद ऊपर से यहां मुड़ गए. ये किनारा बना ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड. और ये कैसा अनऑक्युपाइड. मतलब मेरे तीन किनारे चार किनारे बने. चार में से तीन किनारा ऑक्युपाइड और एक किनारा जहां से मैंने शुरू किया था वो कौन अनऑक्युपाइड. क्लियर हुआ. अब सुनना यहाँ हम लोग कैसे चले हैं. यहाँ हम लोग चले हैं इधर 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 एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉक मेरी मर्जी
क्लॉकवाइज चलो, यहां से चलो पहले यहां टकराए, लेकिन ये किनारा नहीं है, और आगे बढ़ो। अगर तुम यहां से यहां गए और नीचे घूम गए तो ये कैसा ऑक्युपाइड हो गया कि अनऑक्युपाइड? अनऑक्युपाइड, आप इधर घूम नहीं सकते हो, ठीक? तो आप आगे बढ़ जाओ, पार कर जाओ, यहां तक आए, यहां से यहां घूमे, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर वही तीन किनारे मिले, लेकिन फिर कैसे ऑक्युपाइड? तो चलने की आजादी यह है कि चाहे आप क्लॉकवाइज चलो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और हर बार रेक्टेंगल में ही चलो ये भी कोई जरूरी नहीं है, हर बार रेक्टेंगल में चलो ये भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपका लूप ऐसा चले, देखना यहाँ से स्टार्ट किए, पहले यहाँ गए, यहाँ से यहाँ घूमे, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, ऐसा भी लूप बन सकता है। पॉसिबिलिटी हर एक चीज की है, बस एक शर्त है, ये जहां से शुरू किए कैसा अनऑक्युपाइड, उसके बाद ये किनारा ऑक्युपाइड, ये किनारा ऑक्युपाइड, ये किनारा ऑक्युपाइड, ये किनारा ऑक्युपाइड, ये किनारा ऑक्युपाइड। टेंशन ना लो, अपने हर केस का न्यूमेरिकल करवाएंगे, तीन से चार करवा देंगे वो ठीक है, लेकिन लूप बनाना आना चाहिए, क्योंकि यही सबसे मेन है। यही नहीं आया वो 20 जो 10 नंबर आ रहे हैं ना, वहां से चले जाएंगे, ये जरूरी है 10 नंबर ऑटोमेटिक क्राइटेरिया चेक करना। बिलाल अभी तुम्हारे सामने सबसे आसान केस है, सबसे आसान केस, अब बोलो कहां परेशानी है, क्या नहीं समझ रहा है? बतिया भी तो नहीं समझ से कहां बात ना, बतिया ने नहीं समझ में आता। तब ये बताओ जब तक हम समझा रहे तब तक काहे दूसरे से पूछ रही हो? क्योंकि आपने सुना नहीं मेरी बात। तुम उल्लू हो फिर ना, पहले मेरी बात सुनो। जब हम समझा रहे हो तब तक एक दूसरे से कोई चर्चा मत करो, एक भी चर्चा मत करो, पहले बता, जब तक समझा रहे तब तक मेरी बात को सुनो, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी फिर मुझसे पूछो, उसके बाद फिर हम तुमको समझाएंगे। कौन सब कितने हड़बड़ी में है, मेरे से ज्यादा धीमा कोई पढ़ाता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता। कौन? आशीष सर, वो मेरे से ज्यादा धीमे नहीं है, हम उनसे पढ़े नहीं, मेरे से ज्यादा धीमे नहीं है ना, हम सबसे धीमे हैं। कल से एक वर्किंग रूल लेकर के अटके पड़े हो, अभी भी वर्किंग रूल में ही है, अभी भी पार नहीं किए हैं, न्यूमेरिकल बगल में चला रहे, इसी न्यूमेरिकल को दोबारा लगाएंगे, तो हमसे ज्यादा धीमा कोई नहीं है, इसीलिए आपस में पूछना बंद करो, मेरे से पूछो, बताते फिर से आपको सुनो सारे, इधर 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 ध्यान दो। सबसे पहला काम किस सेल को चुनोगे? लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसके पास है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, पहला रूल क्लियर है? उसको चुनने के बाद फिर मुझको वहां से एक पाथ को बनाना है, इस पाथ को बनाने में मुझको दो बातों का ख्याल रखना है, पहला चलते वक्त मुझको या तो हॉरिजॉन्टली चलना है और या तो वर्टिकली चलना है, डायगोनली तो चलना नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहां से शुरू कर रहे हैं इस किनारे को छोड़ दो, तो मेरे रास्ते में जितने भी किनारे जितने मोड़ पड़े वो सारे के सारे मोड़ ऑक्युपाइड ही होने चाहिए, मतलब वही सेल्स होनी चाहिए वो सारे मोड़ पर जहां पर मैंने कुछ ना कुछ एलोकेशन किया हुआ है। अगर एको किनारे अनऑक्युपाइड हो गए तो मेरा बनाया हुआ लूप गलत है। आई बात समझ में? ठीक, गाना गाते हुए कर सकते हो, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे लूप छोड़ आया ना, गाना गाते हुए चल सकते हो। आप सुनो, यहां से चल रहे हैं, ध्यान देना, नीचे आए, ये इशू नहीं बनाना, क्लॉकवाइज चल रहे कि एंटी क्लॉक, अपने किधर भी जा सकते हैं, ठीक है? हाँ, इधर चला मैं उधर चला, वो गाना भी इसी का है। यहाँ आए, यहाँ के बाद फिर ये देखना, यहाँ से यहाँ गए, आए ना, पहला किनारा ये टकराया, ऑक्युपाइड है कि नहीं है? मामला सही है। अगला किनारा ये वाला बन रहा है, ऑक्युपाइड है कि नहीं? यहाँ से ऊपर गए, बीच में कुछ पड़ता है मेरे से, उससे मतलब नहीं है, उसको राउंड से हुए निकल जाओ, लूप है कि नहीं? चलने की डायरेक्शन तुम्हारी मर्जी, ये लो, ये लो, ये लो, या ये लो, और चाहे बुलटे तरफ से चलो। अब अगला काम क्या करना है वो सुनो, एक लूप बन गया, और कॉम्प्लिकेटेड लूप अगले न्यूमेरिकल में बनाएंगे, पहले तो इसको खाली समझो ऐसे। इसके बाद तुम लोग अपने दिमाग में सबसे पहली चीज वो रोक लगाओ, तुम लोग एक सवाल सामने देख रहे हो, 20 सोच रहे हो, एक देखते हो 20 सोच, तो पहले वो रोक लगाओ ना। तुम लोगों के दिमाग में आता है सर ऐसे ऐसे चल दिए, स्क्वायर बनना जरूरी है क्या? मत सोचो यार ना, हम बताएंगे बाद में, हम छोड़ करके भागेंगे तो है नहीं कि छोड़ करके भाग जाएंगे, तो एक ये बनाओ, ये एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है, सबसे पहले तो दिमाग में बैठो ना, एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सारे केसेस को डील नहीं कर सकता है। क्या मैंने यहां पर थ्योरी पढ़ना सीखो, क्या मैंने यहां पर कहीं ये बात लिखी लूप मस्ट बी फॉर्म इन द रेक्टेंगल? कहीं लिखा? जब तक गणित में कोई चीज लिखी नहीं जाए तब तक आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते हो, आज जान लो इस बात को, गणित में जब तक हम कोई थ्योरी ना लिखे तब तक आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते हो। हम केवल एक बात लिखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, और मैंने कुछ लिखा ही नहीं। क्या तुम इंप्लाइज कर दोगे कंटिन्यूटी इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी? कैसे गारंटी ले सकते हो? नहीं, तुमको सोचना भी नहीं है अभी, तुमको उसको सोचना भी नहीं है,
उसकी थ्योरी आएगी तो वो थ्योरी बताएगा, ठीक है। अभी खाली इतना एक लूप बन गया और इस लूप को बनाने में मैंने केवल दो बात का ख्याल रखा, चलेंगे तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दूसरा हर किनारा एक ऑक्यूपाइड लूप होगा सिवाय उस किनारे को छोड़ करके जहां से मैंने शुरू किया। एक काम हुआ, अब अगला काम, जहां से शुरू किया वहां कौन सा साइन रखो, प्लस, क्लियर हुआ, और बाकी के किनारे पर अल्टरनेटिव साइन देते जाओ, तो ये प्लस तो ये कितना माइनस, तो ये कितना प्लस, तो ये कितना माइनस, तो ये कितना अल्टरनेटिव साइन, क्लियर हुई ये बातें। ये आपका लूप का स्ट्रक्चर हुआ, लिखो इस बात को, ये लिखा गया स्टार्ट दी क्लोज पाथ, इसको मिटा रहे हैं। ये बताओ कहां लिखा हुआ है, स्टार्ट द क्लोज पाथ विद द सिलेक्टेड अनऑक्यूपाइड सेल एंड मार्क अ प्लस साइन इन दिस सेल, ट्रेस अ पाथ अलोंग द रोज और कॉलम टू द ऑक्यूपाइड सेल, मार्क बस कॉमा करके लिखना, मार्क द कॉर्नर, कॉमा करके लिखना, मार्क द कॉर्नर, मार्क द कॉर्नर विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, mark the corner with negative sign and continue down the column or row and continue and continue down the column or row, the column or row, continue down the column or row to an occupied cell, to an occupied cell, to an occupied cell and mark the corner, and mark the corner, and mark the corner with plus and minus sign alternatively, minus sign alternatively, plus and minus sign alternatively। अब आप क्या कीजिए, ट्रेस करते हैं, ट्रेस करने के दौरान हर बार आप ऑक्यूपाइड सेल कॉर्नर होते हुए गुजरिए और सारे किनारे पर अल्टरनेटिव साइन में प्लस माइनस रख दीजिए। इतने रूल क्लियर हो गए, सही सलाम। आप सुनो क्या करना है, क्लोज द पाथ, रास्ते को बंद कर दीजिए, क्लोज द पाथ, जब जहां से शुरू किए थे वहीं पर आ गए तो रास्ता अपने आप बंद हो गया कि नहीं हो गया, क्लोज द पाथ, क्लोज द पाथ, क्लोज द पाथ बैक, बैक टू द सिलेक्टेड, टू द सिलेक्टेड, टू द सिलेक्टेड अनऑक्यूपाइड सेल, unoccupied cell, और selected unoccupied cell पर पहुंच करके उस रास्ते को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, loop close कर दीजिए। अब याद रखना, तुमको याद करने का तरीका बता रहे हैं, मैंने corner पर कौन कौन से sign बनाए हैं, plus और minus, बीच में तो कोई sign नहीं बनाया, जहां जहां पर plus sign बना है इसका मतलब वहां पर allocation आएगा, जहां जहां पर minus sign बना है इसका मतलब वहां से allocation जाएगा। आई बात समझ में, जहां जहां पर प्लस साइन बना है वहां पर एलोकेशन आएगा, जहां जहां पर माइनस बना है वहां से एलोकेशन निकाला जाएगा। समझ में आई बात है, ये उदाहरण मैंने शुरुआत में जब सॉल्यूशन बना रहे थे, इनिशियल सॉल्यूशन जब बना रहे थे, अब जितने नेगेटिव साइन वाले हैं उसमें से कौन सा चुना जाएगा, सवाल तो ये उठा ना। हम ये कह रहे हैं जहां प्लस साइन लगा है वहां आप मिलाओगे, एलोकेशन लेकर के आओगे, और जहां नेगेटिव है वहां से आप निकाल लोगे, लेकिन सवाल उठा कितना मिलाएंगे कितना निकालेंगे, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब ये, जहां पर माइनस साइन बना ना उन्हीं लोगों को देखेंगे, वही लोग हमको बताएंगे कि कहां से कितना कम किया जाए कितना कम ना किया जाए। अब ये बताओ, जब हमने शुरू में सॉल्यूशन निकाला तो इनिशियल स्टेज में सॉल्यूशन को निकालने के दौरान मंगनी हार मान के लाए चांदा ना, इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के दौरान मैंने इस बात का खास ख्याल रखा कि कॉस्ट ज्यादा ना होने पाए, हाँ या ना, तो ऑलरेडी मैंने इस बात को दिमाग में जब रखा हुआ है कि कॉस्ट ज्यादा ना होने पाए, तो मैंने जितना एलोकेशन किया है जैसे किया है सब अपने हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से एलोकेट किया हुआ है,
कहीं पर बहुत ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं है, थोड़े मोड़े की गुंजाइश है। ये जो थोड़े मोड़े की गुंजाइश है ना, ये आपको बताता है जहां जहां आपने नेगेटिव साइन बैठाए हैं उन एलोकेशंस को चेक करो, और उसमें जो सबसे कम एलोकेशन है उसी में बदलाव करो। ज्यादा वाला एलोकेशन निकाल लोगे तो व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो आप व्यवस्था को बहुत ज्यादा खराब करने वाले नहीं हो। तो जहां जहां पर एलोकेशन हुआ है वहां वहां पर चेक करो कि नेगेटिव साइन कहां कहां पर बैठा है, और जहां नेगेटिव साइन बैठा हुआ है उसमें से स्मॉलेस्ट एलोकेशन को चुन लो। आई बातें समझ में? जैसे यहां नेगेटिव साइन यहां है, नेगेटिव साइन दो जगह, यहां कितने का एलोकेशन हुआ है? आठ। आप आठ लोगों को चुन करके व्यवस्था बदलना चाहोगे तो आपने एक बड़ी संख्या का एलोकेशन गड़बड़वा दिया है, हाँ या ना? तो आप किसको चुनोगे? दो, क्योंकि बहुत छोटी संख्या है दो, इस दो को हम चुनेंगे। और चुन करके क्या करेंगे? किसी और सेल में कुछ नहीं होगा, जहां प्लस माइनस साइन मौजूद है वही सेल बदली जाएगी। इस दो को जहां जहां प्लस मौजूद है वहां वहां पर ऐड कर देंगे, जहां जहां माइनस मौजूद है वहां से घटा लेंगे। तो इस दो को उठा करके यहां पर ऐड कर देंगे तो इस सेल के पास कितने का एलोकेशन आएगा? दो का एलोकेशन आ जाएगा, हाँ या ना? यहां पर माइनस साइन है, आठ में से दो कम हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? छह हो गया। तुम गौर करो, अब यहाँ छह है, ऊपर दो, छह दो आठ, अभी भी बैलेंस है, हाँ या ना? अभी भी बैलेंस है कि नहीं? अच्छा, फिर गौर करना, यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर कोई साइन मौजूद नहीं है। यहाँ पर माइनस साइन मौजूद है तो दो में से दो घट गया, ये सेल खाली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एम प्लस एन माइनस वन एलोकेशन तो चाहिए था, तो ये सेल आपकी क्या हो गई? खाली हो गई। अब सुनना, यहाँ पर प्लस साइन है तो दस में दो जुड़ जाएगा बारह, अब गौर करो, दस दो बारह, नीचे कितना है? चौदह, तो ऊपर का दस दो छह, और यहाँ पर कितना है? बारह बारह आठ बीस, नहीं ये कितना है? बारह, और ये छह हो चुका, तो बारह छह अठारह, बैलेंसिंग बरकरार है। उनको कंपेयर करेंगे, नेगेटिव साइन जहां जहां मौजूद है उसमें जहां पर सबसे कम एलोकेशन है उसको चुन लेंगे, जहां जहां प्लस है वहां इसको जोड़ देंगे, माइनस वाली जगह से इसको घटा देंगे। तो गौर करो, ये खुद में से भी तो घटेगा, तो एक सेल जो खाली थी वो भर गई और एक जो भरी थी वो खाली हो गई। सॉल्यूशन की संख्या आज भी m प्लस n माइनस 1 है, वो नहीं बदली, वो अभी भी m प्लस n माइनस 1 है। हुआ क्या? आपने एक सेल से चीजों को निकाल के दूसरे में रख दिया, तो भैया एक खाली कर दिया एक भर दिया, पहले भी तो वही था, एक खाली था एक भरा था, तो आपके फिजिकल सॉल्यूशन में कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी संख्या वही बनी रहेगी। हाँ, आपका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो धीमे धीमे आपको गेन होने लगेगा। समझ में आई बातें? चलो लिखते हैं इस बात। स्टेप नंबर चार हो चुका था, स्टेप नंबर पांच लिखना, पांचवा स्टेप। स्टेप पांच लिखना इसमें, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, सेलेक्ट, ये लिखे चलाए थे ग्रुप में, चल रहे हैं नीचे दो पैरों में बस चल रहा है। सेलेक्ट the smallest quantity select the smallest quantity select the smallest quantity amongst the cell kya galat hai kiski amongst ki acha e nahi rahega ha sorry GST होगा, टैक्स वाला GST, amongst the cell, अब तो ना अब जितने लोग पढ़ भी रहे होंगे ऑनलाइन वाले ना वो भी जान जाए बंदे को अंग्रेजी नहीं आती है, बहुत सीधा बन रहा है, जिसको अंग्रेजी है बहुत कुछ होती है। amongst the cell, mark with, क्या करें, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, सीखे हम खूब अच्छे से थे, लेकिन उसने कहा कुछ दिन टूर पे घूम करके आते हैं, चले गए घूमने, अब हम तन्ना पड़ गए हिंदी के साथ, विद माइनस साइन ऑन द कॉर्नर्स ऑफ क्लोज्ड लूप, ऑन द कॉर्नर्स ऑफ क्लोज्ड लूप लिखा गया, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, उस सबसे छोटी क्वांटिटी को चुनिए अमंगस्ट द सेल, उन सेल्स के बीच में से मार्क विद माइनस साइन, जो कि माइनस साइन से मार्क किए गए हैं, जिन्हें चिन्हित किया गया है,
ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्लोज्ड लूप। कहां पर? इस क्लोज्ड लूप के कॉर्नर पर जो नेगेटिव साइन लेकर के बैठे हैं उसमें से आप सबसे स्मॉलेस्ट एलोकेशन को क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर अगला है, एलोकेट दिस वैल्यू, और जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की है उस वैल्यू को आप एलोकेट कीजिए। कहां पर? उन सेल में जहां पॉजिटिव साइन मौजूद है, और बाहर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए वहां से जहां पर नेगेटिव साइन मौजूद है। लिखना, एलोकेट दिस वैल्यू, एलोकेट दिस वैल्यू, एलोकेट दिस वैल्यू टू द सेलेक्टेड, टू द सेलेक्टेड, टू द सेलेक्टेड अनऑक्युपाइड सेल, टू द सेलेक्टेड अनऑक्युपाइड सेल, ठीक, एंड ऐड इट टू द अदर, एंड ऐड इट टू द अदर, टू द अदर, टू द अदर ऑक्युपाइड सेल, ऑक्युपाइड सेल, टू द अदर ऑक्युपाइड सेल मार्क विद प्लस साइन, मार्क विद प्लस साइन, मार्क विद प्लस साइन, एंड सब्ट्रैक्ट इट, एंड सब्ट्रैक्ट, घटा दीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द ऑक्युपाइड सेल, फ्रॉम द ऑक्युपाइड, फ्रॉम द ऑक्युपाइड सेल, सेल्स मार्क्ड विद, मार्क विद, मार्क विद माइनस साइन, माइनस साइन। इन शॉर्ट कहना, एड इट वेयर प्लस साइन प्रेजेंट, सब्ट्रैक्ट इट वेयर माइनस साइन प्रेजेंट, बस इतने में काम खत्म हो जाता है। ठीक, दो स्टेप और लिखेंगे, छह और सात छोटे छोटे, खत्म हो गया बाकी नहीं। दोनों स्टेप कुछ नहीं, दोनों स्टेप पता है क्या है? जब आपने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, तो आप सोचो इसमें बदलाव क्या होगा। इसमें बदलाव ये होगा, सारे लोग ध्यान देना, मैंने किसको सेलेक्ट किया, टू को, तो इस टू को उठा करके यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर कितने का एलोकेशन हो जाएगा, प्लस टू का। हम सेल को सुधार रहे, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आएगा, ठीक, यहाँ पर एलोकेशन हुआ कितने का, दो का, ठीक, यहाँ पर दो घट जाएगा, तो ये कितना हो गया, आठ में से दो गए छह, तो ये मेरे पास एलोकेटेड यहाँ पर हो गया छह का एलोकेशन। ठीक, अब यहाँ पर कितना, दो जुड़ जाएगा, प्लस साइन है, तो दस दो बारह, ये आपका हो गया बारह। ठीक, और यहाँ पर दो में से दो गए जीरो, तो ये खत्म हो गया, ये सेल हो गई अनऑक्युपाइड। ठीक, और इन पर कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसको तो मैं एज़ इट इज़ बचा देते हैं, ये आपका नया एलोकेशन है। ठीक, सेल सुधार दे रहे हैं पूरा, क्योंकि सबकी जरूरत खत्म है। कुछ ना सोचो अर्जुन, अभी दिमाग में कुछ मत सोचो, तुम लोग आपस में चर्चा करते हो तुरंत जान जाते हो, तुम लोग फिर कुछ सोचना चालू कर दिए। हम कह रहे हैं हम सारे केसेस बताएंगे, इसलिए कुछ भी मत सोचो। पता है सोचता कौन है? सोचो तब ना जब तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो। जब तक तुमने किताब नहीं पढ़ी है तब तक तुम मत सोचो। तुम किताब पढ़ नहीं करते हो? हाँ, है ना? हाँ, बहुत कम। किताब पढ़ने वाला सोचे ना तो उसके सवाल बड़े जायज होते हैं। अब किताब ना पढ़ने वाला सोचो, सबकी हाल है, तुम्हें को नहीं बता रहे, तुम्हें को, तुम में से मैक्सिमम किताब नहीं पढ़ते। जब किताब ना पढ़ने वाला सोचे तो उसके सवाल बिल्कुल जायज नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सोच क्या रहा है, वो अगला केस सोच रहा है जो कि किताब में कहीं आगे लिखा हुआ होगा। और ये अभी हम क्या कर रहे हैं, पहला केस चला रहे हैं। जब आप पहले केस के चलने के दौरान अगला केस सोचते हो ना, तो आप अपनी थ्योरी को हाच पाच कर रहे होते हो। ये खतरा तुम्हारे लिए, तुम सारे लोगों के लिए सबसे ज्यादा है कि जब आप एक थ्योरी सोच रहे होते हो उसमें दूसरे को मिक्स कर रहे होते हो, तो चकल्लस तैयार हो रहा होता है ना। तहरी जानते हो? तहरी ना, तहरी जानते हो क्या होता है? दालों मिला दो, सब्जी मिला दो, उसे गाजरों काट दो, मूली काट दो, सब उसे खिचड़ी से उसको छान करके तैयार कर दिए हो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। लोगों को अच्छा लग सकता है लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसीलिए कहते ना, टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डाल दो, टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डाल दोगे थ्योरीज नहीं सोचोगे फालतू वाली ना। सर इसकी बात नहीं कर रहे थे, किसका बात कर रहे हैं? हां हां, कुछ नहीं, जैसा ना करते चलो। सुनो, नया दिखा, ये नई टेबल बनी। अब इस नई टेबल के लिए वापस हम लोग यू आई और वीजे का कैलकुलेशन करेंगे, वापस फिर से एक बार।
क्योंकि ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन है, ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन है। फिर हम लोग इसके लिए यूआई वीजे निकालेंगे, यूआई वीजे निकालने के बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डीआईजे निकालेंगे। अगर फिर से कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ गई तो मेरा प्रोसेस फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर लूपिंग करेंगे। और अगर सारे डीआईजे आपके पॉजिटिव आ गए, यानी अब आपका आया हुआ सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है, इसमें और बदलाव की जरूरत नहीं है। अब गौर करना, सबसे पहले सुन बच्ची, किसका दिमाग में आ रहा था कि नहीं निकाल पाएंगे? दो तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा था ना, इसलिए हम कहते हैं ना बिल्कुल मत सोचो। ये देखो, एक दो एक दो एक दो एक दो एक एक दो एक आ रहा है ना। अब तो दो के ऊपर जा ही नहीं रहा कहीं से भी। अब इधर से देखोगे एक दो, इधर से देखोगे एक दो, इधर से एक दो, आर्बिट्री मेरा मन जिसको मन उसको जीरो मान लेंगे। लो हम यूट्यूब को क्या मान लिए, जीरो मान लिए। कौन रोका हमको, तुम्हारी मर्जी, तुम इसको जीरो मान लेना, नहीं बहुत सारे इसको रटे होंगे, अब हम इसको दिखा देंगे ना। अब सुनो, जैसे इसको जीरो माना, सामने टकराओ, ये जीरो है, सामने टकराओ, ऑक्यूपाइड है कि नहीं है, 40 में से जीरो निकालो तो कितना, 40, ये 40 है, आया ना, अभी निकालते बाकी, ये 40 है, तो आपकी बार बी3 कितना आएगा, 40, सहमत हो कि नहीं सहमत। इससे आगे टकराओ कितना है, 30, 30 में से जीरो निकालो तो कितना, 30, आया ना। इसके बाद फिर इसके ऊपर टकराओ, 8 में से 30 निकालो, 8 में से 30 निकालो, अरे 8, 8 is equal to past कौन है, CIJ, CIJ is equal to कौन सा, ये रहा, CIJ is equal to UI plus BJ, तो इन दोनों का जोड़ होता है ना, तो आप इसको इसमें से घटाओ तभी तो ये मिलेगा, तो 8 में से 30 निकालो, -22 मिला कि नहीं, इसके ठीक सामने यहाँ टकराओ, अब 20 में से -22 निकालो, तो 20, 40, 42, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इससे ऊपर टकराओ, 10 में से 42 निकालो, 10 में से 42, -32 आया ना, इससे यहाँ टकराओ, 19 में से -32 निकालो, 19 में से -32 निकालो, मतलब 19 में 32 जोड़ दो, कितना, अरे 9 तो 11 किए, कितना, 51, न्योता हो गया न्योता, 51, ठीक, आप बताओ बच्ची, 1, 2, 3, 4 आ गए, 1, 2, 3, 3 आ गए, कहाँ नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ये दुनिया बनी है इसीलिए ना, वरना पता है तुम लोगों को हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को, ठीक है, पहली बार इसलिए क्योंकि वापस लौट करके आए तो तुम्हें लोग थर्ड ईयर में मिले, इसके पहले अब तक पढ़ाते 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 ये मेरा 11वां साल चल रहा है, 11 साल टीचिंग एक्सपीरियंस ना कम नहीं होता है, और 11 साल में वो तब और ज्यादा हो जाता है जब आप 11 साल में हर बार एक ही पेपर की कई किताब पढ़ते, तब वो और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि तब सबसे ज्यादा खतरनाक आप तभी बनते हैं ना जब आपके पास हथियार ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए ना हम हर साल पढ़ाते रहे, हर साल पढ़ते रहे, अब अभी भी जो मेरे से पुराने पढ़े हैं, जैसे ये लोग फर्स्ट ईयर से पढ़े हैं, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ये लोग पढ़े, ये लोग जानते हैं हर साल मेरा यही किस्सा होता है, जैसे ये नोट्स है ना, ये क्लास खत्म होगी, ये नोट्स खत्म कर दी जाएगी, अगले साल हम फिर पढ़ाएंगे, फिर एक किताब उठाएंगे, फिर उस किताब से नोट्स बनाएंगे, अगले साल फिर होगा, फिर उसको हटा देंगे, फिर हम पढ़ाएंगे, फिर हम एक नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे, और एक नोट्स को बनाने के लिए हम उसको कम से कम 2 से 3 किताब पढ़नी पड़ती है। तो आपके पास ना इतने साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, आप काम 10 साल किए हो लेकिन आप 20 साल के बराबर एक्सपीरियंस लेकर के चल रहे हो, तो मुझको पता होता है एक स्टूडेंट के दिमाग में कौन सा सवाल कहाँ पर बन सकता है, वो तुरंत पता लगता है। जब हम इधर थ्योरी लिखते हैं ना, मुझको पता है सवाल तो अब यही उठेंगे, क्योंकि मुझको पहले साल जब पढ़ा रहे थे तो मुझको बड़ा डर रहता था, जब हम 2012 में पढ़ाना शुरू किए ना तो हम क्लास आते थे, मुझको एक बात का डर रहता था कि यार हम तो खुद ही अपने बीएससी के टाइम में पढ़ाई नहीं किए थे, लफंगे खुद ही नहीं पढ़ाई किए थे, तो अब मेरे से अगर कोई सवाल पूछ लिया गया तो फिर क्या होगा, मेरी बेइज्जती खराब होगी, वो हमसे पूछेगा मुझको आएगा नहीं, अब उसके बाद हम सोच रहे हैं 4 12 यार ये क्या हुई है, तो मैंने ना ढंग से फिर पढ़ने पढ़ करके ही पढ़ाए, इसीलिए ना मुझको पता है एक स्टूडेंट कहाँ सवाल पूछ सकता है, एक नोट्स बनाते वक्त पहले ही लिख देते हैं सवाल क्या बन सकता है, वो हम पहले ही लिख देते हैं, मतलब हम धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं नहीं सोचो कि हम बोल, हम सवाल पहले लिख देते हैं क्योंकि वो एक अलग मामला है, ठीक। तो तुम लोगों को पहली बार पढ़ाए हैं, अदरवाइज इस कमरे में जहाँ तुम लोग अब बैठे हो, ऊपर का कमरा तुम लोग देख चुके हो, जिस कमरे में आप बैठे हो यहाँ पर 3 लाइन सीट की लगती थी, एक ये जो लगी हुई है ये यहाँ पर हुआ करती थी, यहाँ दूसरी यहाँ हुआ करती थी, पीछे
और तीसरी यहाँ पर पहले लगती थी, देखे होगे ना वो दौड़ देखे हो। और इसके बाद यहाँ और यहाँ कुर्सियां लगती थी, कोई दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि इस कमरे के स्टैंड देख रहे हो कितने बैठ सकते हैं मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, कितने 150 बैठा दोगे सांस फूल जाती है, ठीक तुम 200 बैठा दो। जानते हो इस कमरे में सेकेंड ईयर कितने पढ़ने आते थे उस दौर में, यहाँ पर सेकेंड ईयर पढ़ने वालों की संख्या 375 हुआ करती थी। अब इस कमरे में 375 कैसे आते थे तुम खुद ही सोच सकते हो। वहाँ अनुषा अयाज एक लड़की पढ़ती थी, उसकी दीदी यहाँ पर टीचर थी, तो इसीलिए मंगनी मांग करके, वो भी पढ़ती थी मैथ की थी, तो उनकी दीदी से मंगनी मांग करके 10 स्टूल उधारी मिल जाते थे, तब किसी तरीके से लोग बैठ पाते थे, 10 उधारी स्टूल दूसरे से मांगने पड़ते थे। इसीलिए घबराया मत, सारे सवाल का जवाब मिलेगा, बेफिक्र रहो। चलो यहाँ पर इसके बाद छठा नियम लिखो, छठा स्टेप 6, 6 और 7 लिखो खत्म। अब आप एक नया इंप्रूव्ड सॉल्यूशन, इंप्रूव्ड का मतलब सुधरा हुआ, पहले वाला तो गड़बड़ था, क्योंकि पहले वाले को देखने पर पता चला कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है 18 रुपए का डिक्रीजमेंट आ सकता है। आप सुनो ये बताओ, इसके लिए 18 नेगेटिव था ना, 18 आपने यहाँ कितने का एलोकेशन किया, 2 यूनिट का एलोकेशन, मतलब जानते हो तुम्हारी कास्ट जो पहले आई थी 769 779 कितनी थी, 769 779, ये आपकी कास्ट थी। पता है इसमें कितने का डिक्रीजमेंट आ चुका है, इसमें 18 36 रुपए का डिक्रीजमेंट आ चुका है, 1 यूनिट 18 रुपए की कमी कर दी, 36 रुपए सीधे सीधे कम हो गए। अगर फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने पर सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव आती है तो इसमें केवल 36 घटा देना, वही तुम्हारा बेस्ट आंसर होगा, वही तुम्हारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में, लिखा 36 बच्चे 36। ये बता इधर आपने 2 का एलोकेशन किया, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना, -18। वो कह रहा है जब आप मेरे रास्ते एलोकेशन करोगे तो -18 यानी 18 रुपए पर यूनिट कम कर देंगे, तो जितनी कॉस्ट आई है उसमें 18 रुपए पर यूनिट कम करेगा। तो अब आपने इधर कितने का एलोकेशन किया, 2 का, तो 2 यूनिट का मतलब 18 गुनी 36 रुपए उसने कम कर दिए हैं। 36 अभी कमी आई थी, देखना ऑप्टेट अ न्यू इंप्रूव्ड सॉल्यूशन बाय एलोकेटिंग by allocating units to the unoccupied cell according to step 5 के अकॉर्डिंग आप अनऑक्यूपाइड सेल में एलोकेशन करते हुए एक इंप्रूव्ड सॉल्यूशन को फाइंड आउट कीजिए। ये फाइंड आउट हो गया, अब फिर जो 7वां स्टेप है वो कुछ नहीं, वो केवल है रिपीट द प्रोसीजर अंटिल वी गेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन या अंटिल ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी पॉजिटिव। जब तक सब पॉजिटिव ना हो जाए तब तक आप ये रिपीट करते रहो। 7वां स्टेप आखिर देखना, टेस्ट द रिवाइज्ड सॉल्यूशन फर्दर। आप फिर से इसकी ऑप्टिमेलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए जो आपको नया सॉल्यूशन मिला हुआ है। टेस्ट द रिवाइज्ड सॉल्यूशन फर्दर फॉर ऑप्टिमेलिटी, ठीक फुल स्टॉप। द प्रोसीजर टर्मिनेट, ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, द प्रोसीजर टर्मिनेट व्हेन जब ऑल bij आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या तो पॉजिटिव हो जाए या तो 0 हो जाए तो आप अपने प्रोसीजर को टर्मिनेट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक। फॉर और ये dij किसके लिए निकल रही है, अनऑक्यूपाइड सेल।
अनऑक्युपाइड सेल के लिए जैसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिए तब तक आप प्रोसीजर तुरंत बंद कर दीजिए। टाइम से ऊपर जाते हैं अभी तक उधर छज्जे पे कुछ दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखा दे रहे बस पढ़ाते रहे दिक्कत नहीं है सुनना दिखा दे बस। अरे मेरी एमएससी क्लास 12-15 बच रहे जाने का रूल तो मार्च ही खत्म कर देंगे ना एमएससी की क्लास आज ही 12-15 की तो क्लास है सारे लोग वर्किंग रूल ले चुके ना ए नालायक वर्किंग रूल ले चुके ना आप इधर इधर आओ फिर ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं ऐसा ना हो इसमें मेडिकल को छोड़ दें तुम्हारे लिए करने के लिए क्योंकि हम सब कुछ बता दिए हैं एक भी चीज छोड़े नहीं इवन लूप तक बना करके दिखा दिए हैं ठीक है तो पहला सवाल तुम्हारे जिम्मे छोड़ सकते हैं और अगला सवाल हम लगा सकते हैं ये भी हम करा सकते हैं क्योंकि मुझको लैंग्वेज सिखानी है सबसे मेन चीज तो मुझको लैंग्वेज सिखाना है बताने को तो हम सब बता दे रहे हैं अब सुनो अब बनिया इधर देखना अब तक इसको जीरो मान लेते अब हम इसको जीरो मान करके ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं ये रखा जीरो ठीक 20 में से जीरो गए 20 तो ये कितना आया 20 इसके बाद फिर 8 में से जीरो गए 8 ये रहा यहां से ठीक ऊपर टकाओ 10 में से 20 गए -10 19 --10 10 20 29 हाँ ना ठीक इसके बाद फिर यहां से ऊपर टकराओ 30 में से 8 निकाल दो कितना 22 तो यहां पर कितना आया 22 इसके बाद ये एक बचा ना 40 में से 22 निकाल दो तो 22 8 30 10 40 18 सारे फिर निकल गए कि नहीं निकल गए वो आप कहीं भी मानो कोई दिक्कत नहीं है बस जहां मैक्सिमम ऑफ एलोकेशन है वहां पर आप उसको क्या मान लो जीरो मान लो अगर सब पे बराबर बराबर आर्बिट्री चाहे जिसको मान लो सारे यू आई वी जे निकल गए किसके लिए मैंने निकाले ऑक्यूपाइड सेल्स के उसकी मदद से निकाला अब अनऑक्यूपाइड के लिए चलो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं और देखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है अनऑक्यूपाइड के लिए बोलो 30 में से क्या घटाओगे इनका और इनका जोड़ पहले -10 में 8 जोड़ो -2 उसको 30 में से निकालो पॉजिटिव आया मेरा काम बनने वाला नहीं है अगले बार 50 है ना 18 और -10 कितना हुआ 8 हुआ 50 पॉजिटिव आया वो भी यहाँ देखना जीरो यहाँ कितना 18 70 में से 18 निकाल दो तो 70 में से 10 निकाल दो 60 और 60 में से 8 निकाल दो 52 तो ये हो गया प्लस 50 ये हुआ इसके बाद अभी कहाँ बचा है ये बचा 70 वाला ना ये कितना 22 ये कितना 29 तो 20 40 40 ना 49 150 एक 51 70 में से 51 निकाल दो 19 तो यहाँ हुआ प्लस 19 ये बचा एक 29 और 0 40 में से 29 निकाल दो 29 एक 30 10 40 कितना 11 ये बताओ सारे के लिए निकाल दिया तुमने कुछ बचा अनऑक्युपाइड सब पॉजिटिव आया मतलब अब जो आपका सोल्यूशन आया यही आपका बेस्ट रिजल्ट है इसमें और इसमें सुधार नहीं हो सकता आई बात समझ में अब देखना पक्का तुम्हारे पिछले 7-7-9 में 36 रुपए का ही डिक्रीजमेंट आया होगा चेक कर रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 19 × 5 कितना होगा 5 × 45 भी 5 यहां से लेके 4 5 से 5 9 95 अरे मेरे को बाहर नहीं आता है सचमुच नहीं आता है गणित वाला होने का मतलब कत्ता ही मत समझो कि मुझको सब कुछ आता है सही बात है ना मुझको सब कुछ नहीं आता है 10 × 2 = 20 इसमें ऐड कर दो कितना 20 इसके बाद 30 × 2 = 60 ये हो गया छोटे छोटे पहाड़ तो मुझसे यूं पूछो 7 × 28 = 280 इसके बाद कितना 6 × 48 ये 48 रुपये हुआ इसके बाद कितना 12 × 2 = 24 240 और कुछ है बस देखना 8 × 5 = 13 हासिल लगी 9 × 8 = 10 10 × 2 = 12 12 × 6 = 18 18 × 2 = 20 20 × 6 = 26 26 × 4 = 24 हासिल लगी 3 2 × 2 = 4 4 × 3 = 743 पिछली बार कितना था 7 7 9 7 7 9 -7 4 3
नौ में से तीन गए छह, चार में से सात में से चार गए तीन, छत्तीस का डिक्रीजमेंट आया, माइनस अठारह उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी थी। आई बातें समझ में? चलो शुरू करते हैं। पहले रिमार्क लिखाएंगे, सवाल थोड़ी कराना, अभी तो रिमार्क लिखा। एक्चुअली हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि तुमको लूपिंग के लिए जो बातें मुंह से बताए हैं उसको बस मुंह तक ही रहने दें ना, उसको तुम्हारी कॉपी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बाद में तुम पढ़ोगे तो तुमने अगर डायगोनली लाइन एक को खींच दी ना तो बाद में उस तरह तो लूप बनाना चाहे जैसे बनाना, ये हरकत नहीं करनी है। रिमार्क रिमार्क में सबसे पहला रिमार्क लिखो, द क्लोज्ड लूप, लिखो लिखो क्या हुआ तुमको बहनी हर्षिता, ऋषिता क्या हुआ तुमको, तो तुम ऐसे मुंह काहे बना रही हो जैसे बड़ी तकलीफ हो, पूछ रही हूं 22 कैसे हुआ, कहां 22 कैसे हुआ, वही है ये बारिश वाला, ये कितना है 40 में से 18 निकालो कितना आता है 22, किसको दिक्कत थी, संध्या तुमको, तुम संध्या हो, मैं देखिए तुम संध्या हो सही में ना, तो 25 40 में से 18 अभी भोर हुआ अब तुम सो गए, भोर में मत सो, रिमार्क में लिखो द क्लोज्ड लूप स्टार्ट, द क्लोज्ड लूप, द क्लोज्ड लूप स्टार्ट, द क्लोज्ड लूप स्टार्ट्स एंड एंड्स, शुरू होता है और खत्म होता है, एंड एंड्स, द क्लोज्ड लूप स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सिलेक्टेड, एट द सिलेक्टेड, एट द सिलेक्टेड अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल, क्लोज्ड लूप शुरू होता है और खत्म होता है सिलेक्टेड अनऑक्यूपाइड सेल पर, कहीं और खत्म नहीं करना है इसको, ठीक, अनऑक्यूपाइड सेल फुल स्टॉप की बात करता है, इट कंसिस्ट ये अपने पास रखता है, इट कंसिस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ सक्सेसिव, क्रमशः सक्सेसिव, इट कंसिस्ट ऑफ सक्सेसिव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कनेक्टेड लाइंस, कनेक्टेड, कनेक्टेड लाइंस, इसका वर्टिकल गलत हो गया, अच्छा ए लगा दिया ना, वर्टिकल बना दिए हम, वर्टिकल लिख दिए, वर्टिकल साउथ इंडियन आनंदराम बोर्ड वर्टिकल, वर्टिकल कनेक्टेड लाइंस। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो लूप जहां से शुरू होगा वहीं पर खत्म होगा, दूसरी बात ये अपने पास दो ही तरह की लाइन रखेगा, एक हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल, क्या इसमें कहीं डायगोनल का चित्र आया, तो कोई भी तिरछी विरछी लाइन ना खींचना, और ये लाइन है जो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खींच रहे हो ये भी आपस में क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड, टुकड़े में लाइन नहीं, ये यहाँ खींच दिए दूसरा की गई कहीं और बना दिए ना, ये सब आपस में कनेक्टेड, ठीक, कनेक्टेड लाइन। इसके बाद लिखना हूज एंड पॉइंट, जिनके जो एंड पॉइंट होंगे किनारे, हूज एंड पॉइंट्स, हूज एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स मस्ट बी हर हाल में होने चाहिए, मस्ट बी ऑक्यूपाइड सेल्स, मस्ट बी ऑक्यूपाइड सेल, जिसके किनारे हर हाल में केवल और केवल ऑक्यूपाइड सेल्स होने चाहिए सिवाय उस सेल को छोड़ करके जहां आपने सिलेक्शन किया हुआ है, कॉमा करके लिखना एक्सेप्ट छोड़ करके, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर एंड पॉइंट्स, एक्सेप्ट फॉर एंड पॉइंट्स एसोसिएटेड, जो कि जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद एंटरिंग, एंटरिंग अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल एसोसिएटेड विद एंटरिंग अनऑक्यूपाइड सेल, ठीक, एक लाइन बोल दे रहे हैं, बोली को बस इसी पर रोकेंगे क्योंकि और आगे अभी थ्योरी तो बची है, अभी थ्योरी थोड़ी खत्म हुई, क्लोज लूप और उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे उसके बाद ही न्यूमेरिकल कराएंगे, अभी तो क्लोज लूप की भी तुमको प्रॉपर्टी बतानी है,
और सवाल अभी इसके रफ में लगाना, कॉपी पर मत लगाना, कॉपी पर थोड़ी थोड़ी और चलेगी, उसके बाद ही सवाल उठाएंगे। ठीक, बोले आगे सब लोग लिख चुके हो तो बोला जाए। इट इज इमेटेरियल, ये कोई मायने नहीं रखता है। इट इज इमेटेरियल, IMMATERIAL, इट इज इमेटेरियल वेदर, इट इज इमेटेरियल वेदर अ लूप इज ट्रेस्ड, वेदर अ लूप इज ट्रेस्ड, इट इज इमेटेरियल वेदर अ लूप इज ट्रेस्ड इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अ लूप इज ट्रेस्ड इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फुल स्टॉप मत लगाना। इट इज इमेटेरियल वेदर अ लूप इज ट्रेस्ड इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड स्टार्टिंग और शुरू होता है, एंड स्टार्टिंग अप अप कॉमा डाउन, एंड स्टार्टिंग अप कॉमा डाउन, ठीक कॉमा राइट और लेफ्ट, कॉमा राइट और लेफ्ट, उसके आगे ब्रैकेट बनाना, ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर लिखना, बट नेवर डायगोनली, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर में बट नेवर डायगोनली, ब्रैकेट क्लोज, जिनका छुट्टा होगा वो ध्यान देंगे। बोला क्या है, इट इज इमेटेरियल वेदर द लूप इज ट्रेस्ड इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड स्टार्टिंग अप कॉमा डाउन कॉमा राइट और लेफ्ट ब्रैकेट बट नेवर डायगोनली ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप। क्लियर हुआ, ये कोई मायने नहीं रखता है लूप कैसा खींचा गया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप पहले अप चले हो या पहले डाउन चले हो, आप पहले राइट चले हो या पहले लेफ्ट चले हो, लेकिन आप डायगोनली नहीं चले हो। क्लियर हुआ कि नहीं, इतने पर स्कोर हो तो बाकी बातें करते हैं, इतने पर हो।